स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 48 मिनट पहले का आया वो अपडेट है। अपडेट किसको द्वारा आया है? सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। काफ़ी बड़ी अपडेट है और सभी स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे आपको पहले सब्जेक्ट इसका देख लीजिए। 1,00,000 युवाओं को 25 दिसंबर को मोबाइल और टैबलेट देंगे यूपी सीएम श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, अब देखिए किन स्टूडेंट को मिलेगा और कैसे मिलेगा और कहाँ जाना, मतलब कहाँ जाना पड़ेगा, आपको सारी जानकारी आपको यहाँ पे अभी मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। और किन स्टूडेंट को, काफ़ी सारे स्टूडेंट की आपको मालूम होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट की, लगभग 50 से 51 हज़ार स्टूडेंट की लिस्ट आ गई है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लिस्ट आई है तभी आपको मिलेगा, आपकी लिस्ट नहीं आई है उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, जिनकी ब्लॉक लिस्ट में है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है कि जिनकी, मान लीजिए कि आपका अगर ब्लॉक लिस्ट में डाटा चला गया है तो आपके ऊपर थोड़ी सी, मतलब समझिए कि आपको ना मिलने के चांसेस बढ़ गए, इसलिए कि आपका डाटा जब ब्लॉक लिस्ट में चला गया है तो दोनों जगह आपका डाटा अगर ब्लॉक लिस्ट में है बीएसए भी या फिर बीएससी से भी और पॉलिटेक्निक कर रहे हैं वहाँ से भी, तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यहाँ पे चलिए इस अपडेट को हम देख लेते हैं कि कैसे और कहाँ मिलेगा सारी चीज़ें। चलिए यहाँ पे आप सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे, आप जाकर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट गवर्नमेंट सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से वहाँ से भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, आराम से इसको अपडेट को पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद से आपको पढ़ के बताते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, 1,00,000 युवाओं को 25 को मोबाइल और टैबलेट देंगे योगी। देखिए, अटल बिहारी इकाना स्टेडियम में देंगे तोहफा, कई जिलों से आएंगे अभ्यर्थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे यहाँ पे जो सोच रहे होंगे कि मान लीजिए कि मेरा नाम आया है या फिर नहीं, या फिर मुझे बुलाया जाएगा या फिर नहीं। मुझे, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कैसे बुलाया जाएगा, जैसे आपके कॉलेज से नोटिस जाएगा या फिर कैसे जाएगा आपके पास नोटिस। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अटल बिहारी इकाना स्टेडियम, अगर जो स्टूडेंट क्रिकेट देखते होंगे, मैच के शौकीन होंगे, वो जानते होंगे भली भांति कि अटल बिहारी इकाना स्टेडियम कहाँ है, किस जगह पर है। काफ़ी, मतलब लखनऊ में तो है ये सबको मालूम है, लेकिन कहाँ पर है और किस जगह पर है ये भी सबको मालूम होगा। जो लोग मतलब क्रिकेट देखते होंगे उनको भली भांति ये चीज़ मालूम होगी। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये जो अटल बिहारी इकाना स्टेडियम है वो लखनऊ में है। ठीक है, तो आपको लखनऊ आना पड़ेगा। अब किन स्टूडेंट को आना पड़ेगा यहाँ पे देखिए, अब क्या क्या मिलेगा। देखिए, प्रदेश के सारे अपडेट को यहाँ पे सीरियस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद देखिए, प्रदेश के 1,00,000 युवाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 दिसंबर को फ्री मोबाइल फ़ोन व टैबलेट देंगे। इसके लिए राजधानी में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सीएम योगी ने 1 करोड़ युवाओं को मोबाइल व फ़ोन व टैबलेट देने की घोषणा की है। यहाँ पर सीधे शब्दों में कहा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे कि सीएम योगी ने 1 करोड़ युवाओं को मोबाइल फ़ोन व टैबलेट देने की घोषणा की है। पहले चरण में 25 तारीख को 60,000 मोबाइल फ़ोन व 40,000 टैबलेट दिए जाएंगे। यहाँ पे सीधे शब्दों में समझ लीजिए, मतलब टोटल संख्या कितनी है, 60,000 और 40,000, 1,00,000। मतलब जो आपको 25 तारीख है, आपको मालूम है कि काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाने वाला है, तो एक साथ ये संभव नहीं है कि सभी बच्चों को दे दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कि 60,000 और 40,000 मतलब टोटल मिला के 1,00,000 आपको उस दिन वितरण होगा लखनऊ में इकाना स्टेडियम में 1,00,000। अब किन बच्चों पर होगा ये, मतलब किन बच्चों को मिलेगा आगे, चलिए नीचे अपडेट को पहले देखते हैं। इस कार्यक्रम में हर जिले के युवा बड़ी संख्या में शामिल होंगे। इसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी है। देखिए, सबसे बड़ी खुशखबरी है कि जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनका जन्मदिन भी है उस दिन 25 को, तो वहाँ पे, और 25 को क्रिसमस डे भी है, तो वहाँ पे आप सभी कॉलेज में मतलब छुट्टी भी रहती है, सरकार गवर्नमेंट छुट्टी रहती है, तो इसीलिए मतलब आपका जो आपका डेट रखा गया है वितरण का वो 25 दिसंबर रखा गया है। और देखिए यहाँ पे पहले चरण में एमए बीए बीएससी आईटीआई एमबीबीएस एमडी बीटेक एमटेक पीएचडी और एमएसएमई और स्किल डेवलपमेंट, यानी जो डिप्लोमा कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे छात्रों को प्राथमिकता मिलेगी। देखिए यहाँ पे सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि जितने भी स्टूडेंट बीए बीएससी बीएड बीटेक या फिर पॉलिटेक्निक में जो अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, सीधे शब्दों का है, डेवलपमेंट आदि के अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे छात्रों को प्राथमिकता मिलेगी। सबसे पहले उनको दिया जाएगा अंतिम वर्ष में, इसलिए कि अब वो पढ़ के निकल जाएंगे तो सबसे पहले उनको जरूरी है कहीं भी जॉब करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे तो टैबलेट या फिर स्मार्टफोन का लाभ सही से लेंगे। देखिए यहाँ पे आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के विशेष सचिव कुमार विनीत ने बताया कि डीजी शक्ति पोर्टल पर 38,00,000 से अधिक युवाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अभी भी छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मतलब उनके कहने का मतलब है कि आपको मालूम है कि लगभग 1 करोड़ की ये योजना है, लगभग 1 करोड़ स्टूडेंट को दिया जाएगा, तो 38,00,000 तक अभी तक डीजी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो गया है। और अभी तक मतलब जो अभी छात्र जो हैं तो वो बढ़ भी रहे हैं। अभी आपको मालूम होगा काफ़ी सारे स्टूडेंट, काफ़ी सारे कॉलेज में दिक्कत भी आ रही है, ब्लॉक लिस्ट में नाम चला गया है, काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो अभी उसका डाटा मतलब 38,00,000 से बढ़ भी रहा है, हो सके कि आपका कम से कम 60-70,00,000 के ऊपर आपका जाएगा, सारी चीज़ें वहाँ पर जाएंगी। ठीक है, चलिए ऊपर की ओर देख लेते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए 18,00,000 से अधिक मोबाइल टैबलेट की आपूर्ति जल्द, मतलब कि अभी तो 1,00,000 मिल रहा है फिलहाल में 60,000 करके और 40,000 करके, लेकिन 18,00,000 से अधिक मोबाइल टैबलेट की आपूर्ति जल्द। देखिए पहले चरण में 235 करोड़ रुपये का ऑर्डर जारी किया गया है। इसमें 10,740 रुपये की दर से 10.5 लाख मोबाइल और 12,606 रुपये की दर से 7,20,000 टैबलेट का ऑर्डर दिया गया है। यहाँ पर सारी चीज़ें वहाँ पर है। और आपको ये 25 दिसंबर को क्यों दिया है, क्योंकि वहाँ जो है 25
दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, ठीक है। तो वहाँ पे आप सारी चीज़ देख लेंगे। अब देखिए बात करते हैं मेन पॉइंट की, कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे, इसको आप टेलीग्राम पे मेरे चले जाएंगे, वहाँ से ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से या फिर मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ऑफिशियली इसको पढ़ सकते हैं। आप ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के ट्विटर अकाउंट पर जा सकते हैं, वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपको बेसिक पॉइंट्स बता, देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जिनकी लिस्ट आई भी होगी, उनको मालूम होगा, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि मान लीजिए कि मेरी लिस्ट आई है या फिर नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, आपको कैसे मालूम चलेगा, आपको बुलाया जाएगा तो किस माध्यम से आपको मालूम चलेगा, क्या कॉलेज के माध्यम से मालूम चलेगा या फिर कैसे मालूम चलेगा? तो सबसे पहली बात कि आपने जब फॉर्म अप्लाई किया होगा, आप किसी भी संस्था में होंगे, आपने जब फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपका उसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर जरूर होगा, सबसे मतलब बड़ी बात है। अगर आपका मोबाइल नंबर गलत है तो समझिए कि थोड़ी सी आप में थोड़ी सी क्या बहुत दिक्कत होगी। तो आप सीधे शब्दों में कहा गया था यूपी गवर्नमेंट द्वारा, शासन द्वारा, कि आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज किया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको इस दिनांक को यानी 25 तारीख को या फिर जब भी अगला चरण होगा उस दिन को जब भी देना होगा तो आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगी कि आपको इस दिन को इस तारीख को आपको इतने बजे यहाँ पर आना है। काफ़ी बड़ी आपको मालूम है कि स्टेडियम में कितने लोग, लगभग बहुत सारे कई हज़ार लोग आ जाते हैं एक बार में, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा कार्यक्रम भी होगा शुरू में, उसके बाद से बच्चों को सारी चीज़ें दी जाएगी, तो आपका भी नाम यहाँ पर आ सकता है। आप अपना मोबाइल में अपने मैसेज को चेक करते रहेंगे, मतलब देखते रहेंगे कि हाँ कोई मैसेज तो नहीं आया है शासन द्वारा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश करके आएगा या फिर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नाम से आएगा, आप देख सकते हैं। वहाँ पे आप अपने मोबाइल को जरूर चेक करेंगे, आप मैसेज में जाएंगे इनबॉक्स में, वहाँ पे चेक करेंगे, इसलिए कि काफ़ी सारे इसके तरीके हैं। कॉलेज से भी नोटिस आ सकता है कि हाँ इन इन बच्चों का आया है, लेकिन हो सके कि कॉलेज डिले कर दे, कॉलेज मतलब ध्यान ना दे, या फिर कॉलेज तो ध्यान देगा ही, लेकिन फिर भी आप अपने मोबाइल को जरूर चेक करते रहेंगे कि आपका नाम तो नहीं आया है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट इसलिए कमेंट कर रहे हैं कि उनकी लिस्ट नहीं आई, लेकिन लिस्ट से कोई मतलब नहीं है, आपको जब मिलना है तो लिस्ट से कोई मतलब नहीं है। हाँ, लिस्ट उनके लिए ज़्यादा मतलब जारी की जा रही है जिनको नहीं मिलना है, जैसे ब्लॉक लिस्ट में आ गया है तो उनकी लिस्ट जारी की जा रही है कि हाँ इस कॉलेज से 60 बच्चों का ब्लॉक लिस्ट में कर दिया गया है, दोनों जगह से अप्लाई कर दिया है, इस जगह से मतलब कुछ बच्चों का ब्लॉक लिस्ट में कर दिया गया है कि दोनों जगह से तीनों जगह से अप्लाई कर दिया, जहाँ से भी मतलब उनका डाटा इनकरेक्ट है, गलत है, दो दो जगह से अप्लाई कर दिया, उनके लिए ब्लॉक लिस्ट में उनका लिस्ट का नाम आ रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने बताया था कि 50-51 हज़ार बच्चों की लिस्ट आई थी, तो कई जगह लिस्ट आ रही है तो काफी कॉलेज वाले मतलब शो नहीं कर रहे, दे नहीं मतलब दे नहीं रहे, कह रहे हैं कह रहे मिलना ही है तो क्या देना, उसमें देने की कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं मिलना है उसको बता दे रहे हैं कि हाँ आपने ये गलती की है, आपको नहीं मिल रहा है। तो आप तैयार रहेंगे, 25 तारीख को तैयार रहेंगे, काफ़ी बढ़िया से मतलब समझिए कि सज धज के तैयार रहेंगे, हो सके कि आपका भी मैसेज आ जाए और आपको भी बुलाया जाए वहाँ पे। तो 25 को अगर मिलना होगा तो आपको 22 या 23 या 24 को आपके ऊपर मतलब आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा या फिर कॉलेज से नोटिस कर दिया जाएगा कि हाँ आपको भी इस दिन मिलना है। काफ़ी सारे यहाँ पे आपने देखा भी सीधे शब्दों में लिखा था कि कई जिलों से, कोई जरूरी नहीं है कि एक जिले से, कई जिले से चारों तरफ से स्टूडेंट रहेंगे और वितरण वहीं पर होगा, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे और सारी चीज़ों को देख लेंगे, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप जाकर के पढ़ लेंगे, काफ़ी बड़ी अपडेट है सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और मिलते हैं फिलहाल मतलब अगले वीडियो में। अगर आपको मन में कोई भी क्वेरी उत्पन्न हो रही है, कोई भी डाउट उत्पन्न हो रहा होगा तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके कमेंट का मैं रिप्लाई दूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।